हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज मैं फिर आपके पास एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्या हमें बोनस जो स्टॉक होते हैं उसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे ओनली मैं बोनस शेयर की बात कर रहा हूँ, जो कंपनी बोनस अनाउंसमेंट करती हैं, बोनस देती हैं। कोई कंपनी 1:1 का बोनस देती है, कोई कंपनी 1:10 का बोनस देती है, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर गाइज मेरी बात मानो तो बोनस स्टॉक में अप्लाई करना चाहिए आपको। क्यों करना चाहिए उसका मैं रीजन बता देता हूँ, ठीक है गाइस। गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने जय भारत मारुति के, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, मेरे पास 35 स्टॉक्स थे। कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया था मुझे, और मींस 35 शेयर थे, तो मुझे 35 शेयर और मिले। यहाँ पे मेरा 70 शेयर शो कर रहे हैं, और आज के डेट में जो शेयर है वो 14% ऊपर गया है। ओवरऑल कितना मतलब परसेंटेज ऊपर है? 23%, एक हिसाब का 24% ऊपर है, ठीक है गाइस। तो ऐसा क्यों हुआ इसका रीजन मैं बता देता हूँ गाइस। इसका रीजन ये है कि जब भी हम मतलब कोई बोनस स्टॉक बाय करते हैं, तो ये अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, यहाँ पे एवरेज प्राइस 189 कर रहा है। तो ये गाइस जिस दिन ये स्प्लिट हुआ था उस दिन जय भारत मारुति का स्टॉक 40% नीचे आ गया था। कितना नीचे आया था? 40%। अगर कंपनी 1:1 का बोनस दे रही है तो स्टॉक का प्राइस 50% नीचे आना चाहिए था। जैसे आज की बात करें, आज आरती इंडस्ट्री ने बोनस अनाउंस किया था, उसकी एक्स डेट आज थी, और स्टॉक 50% नीचे गिरा था। तो 1:1 का बोनस मिलता है तो 50% स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना चाहिए। अगर 50% नहीं गिरता है, 40% गिरता है नीचे, 30% गिरता है, तो अगर 40% गिरा तो आपका 20% प्रॉफिट तो ऐसे ही बन गया। मैंने 35 शेयर लिए थे, उसमें से मुझे 10% प्रॉफिट। अगर 40% स्टॉक नीचे गिरा तो 10% नहीं गिरा है गाइस, 10% मुझे 35 स्टॉक का मिलेगा, 10% जो मतलब मुझे बोनस मिलेगा उसका मिलेगा, ठीक है गाइस। 20% प्रॉफिट तो मेरा ऐसे ही हो गया जब मेरे अकाउंट में बोनस क्रेडिट हो जाएगा, तो उसका कुछ इश्यू नहीं होता है गाइस। जैसे ही आपके अकाउंट में मतलब शेयर क्रेडिट हो जाते हैं तो प्राइस की एडजस्टमेंट हो जाती है उस अकॉर्डिंग, ठीक है गाइस। तो इसलिए मैं अभी इस शेयर में प्रॉफिट में हूँ, 24% में, ठीक है गाइस। और उसका एक रीज़न और है बोनस स्टॉक बाय करने का। जब हम बोनस स्टॉक बाय करते हैं तो प्राइस नीचे आ जाता है, ठीक है गाइस, तो उसमें वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि जब मैंने प्राइस लिया था तब प्राइस मतलब काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पे मैंने N100 भी बाय किया था, उसका प्राइस 1,000 रुपये था, फिर वो 100 रुपये आ गया। जब वो 100 रुपये पे आया तो लोग उसे ज़्यादा मतलब उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, जिस कारण क्या है स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे मोतीवाल ओसवाल नज़दाक 100 का यहाँ पे स्टॉक है, इसने भी बोनस दिया था मुझे। मेरे पास 20 शेयर थे, कंपनी ने 1:10 का बोनस दिया था। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो 10 शेयर आपको मिलेंगे, ठीक है। मेरे पास 20 थी, मेरे 200 शेयर हो गए, और मैंने बाद में थोड़ी क्वांटिटी और बाई की, और अभी भी इसमें मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ 5%, ठीक है गाइस। ये ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि ये एक इंडेक्स है, ठीक है गाइस। इंडेक्स फंड स्लो स्लो बढ़ता है, आपको पता है इसमें माइक्रोसॉफ्ट एप्पल अमेजोन की कंपनीज हैं, तो ये स्लो स्लो बढ़ता है और नीचे भी स्लो ही जाता है, ठीक है गाइस। तो इसमें रिस्क कम है, और मेरे अकॉर्डिंग आप अगर आप देखोगे तो आपको बोनस में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है गाइस। और बोनस शेयर में अप्लाई करने का ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको मतलब आप बोनस तो मिलता ही है, अगर शेयर कम गिरा तो आपको प्रॉफिट भी होता है, ठीक है गाइस। और उसके बाद आप उसे होल्ड कर सकते हो या बेच के मतलब प्रॉफिट ले सकते हो। अब जय भारत मारुति मेरा 3150 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, मैं इसे एग्जिट भी कर सकता हूँ या होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये होता है कि जब कोई कंपनी बोनस देती है तो प्राइस की एडजस्टमेंट होती है, प्राइस मतलब नीचे आ जाता है 50%, उसके बाद मतलब उसमें वॉलिटिलिटी इतनी बढ़ जाती है, मतलब जो नवे नवे इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, वो कम प्राइस देख के उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उस कारण वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है और स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको बोनस स्टॉक में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है गाइस। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, किसी भी तरह का डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ लें, और इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू गाइस, थैंक यू।